जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रभात कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू PYQ एकेडमी। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग ऑफ द CAPF एग्जामिनेशन ऑफ 2019। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट व्हाट इज द नेचुरल नंबर n फॉर विच 3 to the power n plus 3 to the power 12 plus 3 to the power 15 plus 3 to the power n is a perfect cube of an integer. Okay, so for the ease of the understanding, I'm going to record this lecture in Hindi language. Okay, so जैसा कि हमें ये दिया गया है और हमें यहाँ पर 3 to the power n जो है n के वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो अगर हम सिंपली कोशिश करते हैं कि 3 to the power n प्लस 3 टू द पावर 12 प्लस 3 टू द पावर 15 प्लस समथिंग 3 टू द पावर n, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ से देखने से मालूम पड़ रहा है n की वैल्यू इनमें से कोई 10 11 12 13 14 का योग होगा, ठीक है। मतलब कि उसमें से 3 टू द पावर 9 जो है सबसे कम वो कॉमन जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम 3 टू द पावर 9 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये अगर हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ एक मिनट, यह हो जाएगा 3 टू पावर 3, ठीक है, और यह हो जाएगा 3 टू पावर, इसको अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 6। ओके, ये हमें नहीं पता है, इसको ऐसे ही रन कर देते हैं। अब देखते हैं 3 टू पावर 9, इसको ऐसे रन दो। इसमें भी अगर हम वापस इसको अगर 3 टू पावर 3 फिर से कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर फिर बचेगा 3 टू पावर 3, ठीक है, प्लस 3 टू पावर n, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, ये कितना आ जाएगा 27 और ये 28, ठीक है, इसको हम 27 इन 28 करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 87 जा 56, 82 जा 16, ठीक है, 16 5 21, 27 जा 14, 22 जा 415, ठीक है, ये 756, ठीक है। और इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये 757, ठीक है। तो ये अपने आप में तो ये परफेक्ट क्यूब है ही, हमें तो ये अंदर का ये परफेक्ट क्यूब चाहिए था, ठीक है। इसको अगर हम परफेक्ट क्यूब करेंगे तो ये 3 का पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान दें 757 इसका नियरेस्ट क्यूब पे जाएं तो एक तो नियरेस्ट क्यूब इसका जाएगा 729, ठीक है, और इसके बाद अगर हम जाएंगे तो 10 का क्यूब हो जाएगा वो है 1000। तो देखते हैं कि 1000 में से ये कितना कम है, ठीक है। तो 1000 में से अगर हम इसको 757 अगर हम घटाते हैं तो 10 में से आ जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4 और 9 में से आ जाएगा 2, 43। और अगर आप रेगुलर मैथ्स करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा 3 का पावर जो होता है वो 243 होता है, ठीक है। तो 3 का पावर 4 मतलब यहाँ पर 3 का पावर 4 हो सकता है, और हमने जो है कि यहाँ कॉमन लिया था, ठीक है, मतलब ये हमने इसको n नहीं इसको कुछ और मान लेते, ठीक है। तो 3 यहाँ से अगर जब कॉमन लेने के बाद 3 का पावर 4 बच रहा है, ठीक है, एक मिनट, ये 3 का पावर 4 नहीं, 3 का पावर 5 होगा, ठीक है, सॉरी, तो ये 3 का पावर 5 होगा। तो कॉमन लेने के बाद अगर 3 का पावर 5 बच रहा है मतलब कि ये हमारे हिसाब से होना चाहिए 9 प्लस 5 यानी कि 3 का पावर 14 होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक आंसर, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर हैव द सेम पैरामीटर देन, ठीक है, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल हो जाएगा, इसको हम स्क्वायर की तरह बना लेते हैं, ठीक है, लगभग ही एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, दोनों का सेम पैरामीटर है, तो मतलब पैरामीटर इसका क्या होता है, इसका होता है 2πr और इसका पेरीमीटर अगर हम साइड अगर x लेते हैं 4 × x, ठीक है, और ठीक है। तो अगर हम इसको सपोज कि हम इसको r को हम सपोज 7 ले लेते हैं रफली, ठीक है, तो ये कट जाए 2 × 22/7 × 7, ठीक है ना, 44, और ये इक्वल है तो 4x = 44, तो x = 11, ठीक है। जब हम रेडियस 7 ले रहे हैं और साइड 11 ले रहे हैं तो उसका पेरीमीटर सेम आ रहा है दोनों का, ठीक है। अब हम लोग एरिया निकाल के देख लेते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा,
बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 × 7 × 7 कितना आ जाएगा, 22 × 7 = 154 आ जाएगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, 11 × 11 तो ये आ जाएगा 121, ठीक है। तो हमारा जो है कि अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। देयर एरिया इज इक्वल, नहीं इक्वल तो हो ही नहीं रहा है। द एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, यस एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर, दिस इज ट्रू। देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सर्कल, नो। एंड एरिया ऑफ सर्कल इज 2 times, नो। और आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी एक ऐसा सवाल है इसमें हमें फिर से ज़ूम करना पड़ेगा, x² + y² = 1, ठीक है। तो ऐसे सवाल में जो हमें दे रखा है ये गिवन गिवन गिवन, ठीक है, और ये तीनों कंडीशन अगर मैच करती है तो इनमें से कौन सा कंडीशन मैच करेगा या नहीं करेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो x² + y² = 1 अगर है ऐसा, ठीक है, तो चांसेस हैं कि इनमें से कोई एक जीरो हो सकता है, ठीक है। और किसी तो हम लोग सपोज y को अगर हम जीरो ले लेते हैं ऑटोमेटिकली x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम y की वैल्यू जीरो लिए हैं तो इस इक्वेशन में डालिए, अगर y की वैल्यू जीरो लिए हैं तो हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, y = 0, ठीक है। तो x u = 0, ठीक है, और x = यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो u = 0 ऑटोमेटिकली आ जा रही है, और अगर u 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा v = 1 हो जाएगा, ठीक। मतलब हमें मिल गया x = 1 y = 0, ठीक है, और u = 0 एंड v = 1, ये हमारा गिवन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या हमारा, x² + u² = 1, x² 1 + u² 0, तो यस = 1, तो ये जो है पहला सही होगा। देन y² + v² = y² 0 v² 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद xy + uv = 0, xy = 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि xy = 0 हो जाएगा और uv भी 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें से u 0 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन सी। ध्यान से समझिए, ये हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा, अगर इसे सॉल्व करें तो बहुत ही लंबी हो जाएगा और पता नहीं सॉल्व होगा भी है कि नहीं, पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में एज्यूम करना सही होता है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि अगर वाई जीरो है, वाई को अगर जीरो लेते हैं तो एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको फिर हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे तो वहाँ से हमारा यू 0 आ जाएगा, अगर यू 0 कर देंगे तो वी 1 हो जाएगा, और ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस चार कंडीशन के बेसिस पे हमने ये तीनों जो स्टेटमेंट है इसको सही कंसीडर कर, सही हो गया, ठीक है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर वाज संडे अदर देन लीप ईयर, ठीक है, देन व्हिच वाज द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। सो एक लॉजिक हमेशा याद रखो, जिस दिन से ईयर शुरू होता है उसी दिन से ईयर एंड भी होगा, ठीक है, ये याद रखो। अगर फर्स्ट जन इतना है 31 दिसंबर भी यही होगा, ठीक है। और सपोज आपको इसका लॉजिक जानना है, ठीक है ना, तो कोई नहीं, अगर ये 1 जनवरी है मतलब इससे 364 दिन बाद जो होगा ये 31 दिसंबर होगा, मतलब क्या, और 364 डेज लेफ्ट है, तो सीधा सीधी 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 7 × 5 = 35, ठीक है, 14 बचेगा, 7 × 14 ये कट गया, मतलब 0 रिमाइंडर है। 0 रिमाइंडर आया मतलब कि जितना रिमाइंडर होता है उतना ऐड करना होता है, रिमाइंडर 0 आया मतलब कि ये मंडे से स्टार्ट हुआ तो मंडे से ही खत्म होता है, लेकिन यहाँ संडे स्टार्ट हुआ था तो संडे से खत्म हुआ। अगर ये लीप ईयर होता तो 365 दिन बाद एंड होता, तो यहाँ रिमाइंडर बना जाता, इसलिए लीप ईयर केस में 1 दिन बाद एंड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए वॉक्स 10 मीटर्स इन फ्रंट, ठीक है, सीधा में 10 मीटर गया है, एंड 10 मीटर्स टू राइट, राइट मुड़ के फिर और 10 मीटर गया। देन एवरी टाइम टर्निंग लेफ्ट ही वॉक्स 5, 15 एंड 15, ठीक है, फिर लेफ्ट लिया 5 मीटर गया, फिर लेफ्ट लिया ये 15 मीटर गया, फिर से लेफ्ट लिया और 15 मीटर गया, ठीक है। देन हाउ फार इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट, सो दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज एंडिंग पॉइंट, एंड ही इज ओनली 5 meters away from its starting point. So, our answer is
ऑप्शन सी, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर फाइव फ्रेंड्स, सचिन, कुणाल, मोहित, अमित, सोहन। सचिन इज शॉर्टर देन कुणाल, ठीक है, सचिन जो है कुणाल से छोटा है, ठीक है, उसके बाद फिर बट टॉलर देन सोहन, लेकिन सोहन से जो है वो बड़ा है, ठीक है, मोहित इज टॉलेस्ट, मोहित को सबसे ऊपर रखते हैं, मोहित इज टॉलेस्ट, अमित इज लिटिल शॉर्टर देन कुणाल एंड लिटिल टॉलर देन सचिन, ओके, दैट मीन्स ये कुणाल से थोड़ा छोटा है, सचिन से थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर अमित यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एंड ठीक है, इफ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, पाँच लोग हो गए, एक दो तीन चार पाँच लोग, दो तीन चार पाँच, हाँ पाँच लोग हो गए, इफ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो हु विल बी इन थर्ड, छोटा से बड़ा में अगर स्टार्ट करते हैं तो ये पहले छोटा छोटा छोटा, तीसरे में कौन आएगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में अमित आएगा, सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एम इज ब्रदर ऑफ एन, ठीक है, एम जो है एन का भाई है, ठीक है ना, मतलब ये पता है कि एम मेल है, ठीक है, यहाँ पर मेल को बॉक्स में करेंगे और फीमेल अगर होने से उसको सर्कल करेंगे, ठीक है, एन का जेंडर भी नहीं पता है, उसको रहने देते हैं। बी इज ब्रदर ऑफ एन, एन का दूसरा भाई है वो है बी, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। देन एम इज ब्रदर ऑफ डी, ठीक है, उसका और एक भाई है डी, मतलब डी का भी भाई है, डी का जेंडर हमें पता नहीं, ठीक है, देन विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, ठीक है, सो एन इज ब्रदर ऑफ बी, एन का हमें जेंडर नहीं पता है, तो एन भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, ठीक है, तो ये हमें डेफिनेटली नहीं पता है, ठीक है, डेफिनेटली ट्रू नहीं है। एन इज ब्रदर ऑफ एम, सेम वही कह रहा है, एन ब्रदर हो नहीं सकता, कन्फर्म हमें पता नहीं है, नॉट, एन इज ब्रदर ऑफ डी, ये भी कन्फर्म नहीं है, ठीक है, एम इज ब्रदर ऑफ बी, एम को हमने बॉक्स में कर रखा, मतलब एम मेल है, एंड अगर ये इसका भाई, ये सारे एम इसका भाई है और एन का भी ये भाई है, तो ये ऑटोमेटिकली ये दोनों एक दूसरे के भाई होंगे और दोनों मेल हैं, तो यस एम के एम भी ब्रदर ऑफ बी, सो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैम्बल इज सीडेड एज एफ बी एल, सॉरी सी ए एफ, हाउ इज फ्लावर कोडेड इन दैट लैंग्वेज, सिंपल सा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, जैसा दिया वैसा लिख लो, जी ए एम बी एल ई, ओके, सो उसके बाद फिर इसको कर रखा एफ बी एल सी के एफ, ओके, सो एफ जी से एफ माइनस वन हुआ है, फिर ये प्लस वन हुआ है, फिर ये माइनस वन हुआ है, ये भी प्लस वन हुआ है, फिर ये माइनस वन हुआ, ये प्लस वन हुआ, ठीक है, इसी ऑर्डर में कोशिश करते हैं, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, पहले एक माइनस करेंगे तो ई होना चाहिए, ठीक है, ई से होगा तो ये दोनों ऑप्शन घटा गया, ठीक है, और फिर देखते हैं जो अलग हो उसको ट्राई करेंगे, ये एक्स और टी है, सिर्फ इसी को ट्राई करते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में क्या होना चाहिए, प्लस वन होना चाहिए, ठीक है, तो प्लस वन करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में W के बाद क्या आएगा, X आएगा, तो X वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है, इस तरह से हम टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस आइटम फोर वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक एंड सम मैनर एंड द फोर्थ वन इज डिफरेंट, मतलब ऑर्डर नॉट पूछ रहे हैं यहाँ पर, चूज ऑर्डर नॉट, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, अटैचमेंट, ठीक है, तो फ्रेंडशिप दोस्ती, मतलब आप एक दूसरे से जुड़ रहे हो, ठीक है, इंटीमेसी में मतलब और ज़्यादा क्लोज आना होता है, अटैचमेंट मतलब भी क्लोज आना, एनमिटी मतलब आप दुश्मन नहीं पाल रहे हो किसी से, तो ये अलग है, तो डेफिनेटली ये जो है ऑड वन आउट है, सो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सिक्स ऑफ ए नंबर इज 53, ठीक है, बचपन से हम करते हैं किसी नंबर को एक्स मान लेते हैं, उसका वन सिक्स जो है 53 है, तो सिंपल से एक्स को इस नंबर को निकाल लेते हैं, 53 इंटू सिक्स, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है, अब क्या आता है, तो व्हाट विल 50% 57% ऑफ दैट नंबर, तो इस नंबर का 57% निकालते हैं, 53 इंटू 6 इंटू 57 डिवाइडेड बाई 100, ओके, सो अगर हम काट देते हैं तो फिर डिवाइड करना मुश्किल हो, इसलिए सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 18 6 5 6 30 318, ओके, इंटू 57 7 8 56 7 7 12 21 22 40 5 4 9 5 3 15 6 2 9 11 181.26, ठीक है, दो जीरो के लिए दो पॉइंट डाल देंगे, तो 181.26 हमारा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ इज इंक्रीज बाय 300%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 970. सो व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? ठीक है, तो अगर हम इसको सपोज मान लेते कोई फ्रैक्शन x बाय y था, ठीक है, तो इसको 200% इंक्रीज करना है. ठीक है, तो x जो है अपने आप में क्या है, 100% है, और इसको और 200% इंक्रीज करेंगे, मतलब क्या ये 300% हो जाएगा इसका, तो इसका हम सीधा सीधे 300% निकालेंगे. ठीक है, उसी तरह से इसका 300% इंक्रीज हो रहा, मतलब इसका हम 400% निकालेंगे, तो ये जो है 9/17 के बराबर होना चाहिए. ठीक है, परसेंट का परसेंट काट दो, 2 0 का 2 0 काट दो, 3 से 9 को काट दो, 3 3 9. ठीक है, अगर अगर हम इसको सर मल्टीप्लाई करें तो ये 4 3 12 जाएगा, 13 12/17 गेट आवर आंसर एज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 150 क्वेश्चंस टोटल 150 सवाल है. ठीक है, नेहा आंसर 40% ऑफ द फर्स्ट 90 क्वेश्चंस, पहले 90 क्वेश्चंस में से उसके 40% सही है, तो 40% निकाल लो कितना हो रहा है, ये आ रहा है 9 4 36 36, तो पहले 90 में से उसे 36 नंबर बने हैं. ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द 60 क्वेश्चंस डज शी नीड टू आंसर करेक्टली फॉर हर स्कोर इन एंटायर टेस्ट? ठीक है, तो उसे टोटल 60% लानी है. ठीक है, 60% पहले निकाल लेते हैं, 150 का 60% कितना होगा, इसको हम करें तो ये 15 96 90. ठीक है, तो अगर 90 लाने से उसका 60% पूरा हो जाएगा, लेकिन पहले 90 क्वेश्चन में उसने 36 ही स्कोर किया, मतलब बाद के और कितने चाहिए उसको, उसको चाहिए 54 चाहिए, लेकिन हमें परसेंट में पूछा है, तो 54 जो है वो 60 का कितना परसेंट हो जाएगा, इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगा 69 का, यानी कि 90%. दैट मीन्स नेहा नीड्स टू स्कोर 90% इन द रेस्ट 60 क्वेश्चंस, सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी 90%. ओके, अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2700 अ मैन लूजेस 10%. 2700 में किसी आर्टिकल को बेचने पर उसे 10% का लॉस होता है, मतलब कि उसने 90% में ही बेच दिया उस आइटम को. ठीक है, अगर 100% बेचता तो उसे लॉस नहीं होता. ठीक है, तो 90% में ही बेच दिया, तो 90% बराबर 2700 होता है. एक्स निकालेंगे के लिए क्या करेंगे, 100% निकालेंगे, 200. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3000. ठीक है, तो मतलब 3000 रुपये के वस्तु को उसने 2700 में बेचा था, इसलिए उसे 10% का नुकसान हुआ था. अगर वो 3600 में बेचता है, मतलब 3600 में अगर बेचता है, मतलब कि 600 रुपये का फ़ायदा करता है, और 600 रुपये तो उसे कितना परसेंट में होगा, हमेशा हम जो है कि CP, ये हमारा एक CP आ गया, CP निकालते हैं, तो 3000 का 100 कितना हो जाएगा, इसको काट दो सीधा CP, ये ऐसे कट जाएगा, गलत कर दिया क्या, ज़्यादा काट दिया, एक मिनट, यहाँ से 20 यहाँ से 20 यहाँ का 10. ठीक है, 3 2 6 20 20 10 जो गया 20%. सो वी गेट आवर आंसर इज ऑप्शन सी 20%. ठीक है, सिंपल सवाल था, SP दे रखा 2700. ठीक है, तो हमने पहले CP निकाल दिया, फिर नेक्स्ट SP दिया 3600, तो नेक्स्ट प्रॉफिट ऑफ परसेंट निकालना था, सो हमारा आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज BCYX, ये अलग अलग टर्म्स दे रखा है. ठीक है, सर इसको कोशिश करते हैं करने की, BCYX, उसके बाद फिर ये हो गया EFGU, ठीक है, HISR, उसके बाद फिर KLPO. ठीक है, क्या हो रखा है, BCDE, ठीक है, मतलब प्लस 3, EFGH प्लस 3, HIJK प्लस 3, KLM, ठीक है, LMN, NMHC प्लस 3. ठीक है, तो वो ऑप्शन वाले काट दो. ठीक है, अब जो अलग है हम बस उसको ट्राई करेंगे, NOOC में. ठीक है, लास्ट ये ऑप्शन थर्ड ट्राई करते हैं. ठीक है, तो ये क्या रखा है, ये घट रहा है. ठीक है, ये बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, QRS, ये -3 हो रहा है. ठीक है ना, तो M से लेंगे तो NOP, L से लेंगे तो NOP, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. ठीक है,
यहाँ को माइनस थ्री करना है, ठीक है। तो अगर माइनस थ्री करना है तो पी माइनस थ्री अगर करेंगे तो हमारा एम आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2940, ठीक है। सबसे सिंपल सा तरीका है इसको, इसके फैक्टर्स में इसको डिसइंटीग्रेट कर दो, 14 और ये 7 0, ठीक है। दूसरे फिर करो 2014, यहाँ पे 14, एक मिनट, हाँ 36 तो करते हैं। उसके बाद फिर इसको फिर से करें, 5 से कर लो, 5 14 टाइम्स लग जाएगा, 5 ही 7 टाइम्स लग जाएगा, 7 से फिर से कर लो, 7 दो 14, 7 एक 7, 7 21, ठीक है। 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, 5 और 3 का पेयर नहीं बना है, मतलब 5 का पेयर बनाना है और 3 का पेयर बनाना है, मतलब 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। बड़ा सिंपल सवाल था, ध्यान रखना है परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमें जो है पेयर होना चाहिए, 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2 हो गया और 5 का पावर 1 रहेगी और 3 का पावर 1 रहेगा, तो एक 5 चाहिए और एक 3 चाहिए, टोटल हमको 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर आर रिवर्स्ड, ठीक है। व्हेन द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर्स, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर एक क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे डिजिट्स की बात कर, नंबर्स की बात कर रहे हैं जिसको रिवर्स करने से द नंबर इंक्रीज होगा 27, ठीक है। तो वैसे एग्जांपल्स देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे से, ठीक है। ठीक है, 94, 49, 14, 9, 96, 69, 16, 17, 27, ठीक है। 96 मिल गया ना, तो 96, 69 हो जाएगा, उसके बाद 85, 58 हो जाएगा, 74, 47 हो जाएगा, उसके बाद फिर 63, 36 हो जाएगा और 52, 25 हो जाएगा। ये सारे पेयर है जिसको जिसका डिफरेंस 27 होगा, ठीक है। हमसे क्या कर रखा है, कह रखा है लास्ट में द नंबर इंक्रीज बाई 27, द सम ऑफ सच टू डिजिट्स, ऐसे दो डिजिट वाली संख्याओं को बताओ जिस जिसको रिवर्स करने से 27 इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो वैसे संख्याएं कितनी, 69 है, 58 है, 47 है, 36 है, 25 है, इन सबको रिवर्स करोगे तो वो उसका ओरिजिनल नंबर 27 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वैसे सारे नंबर्स को जोड़ कर कितना आ रहा है ये पूछ रहा है, तो जोड़ दो, 69, 58, 47, 36, 25, 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 26, 26, 9, 35, 3, 3, 2, 5, 5, 8, 8, 4, 12, 12, 5, 17, 17, 36, 235। ये गेट आवर आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। तो इसमें एक लॉजिक है, 5, 4, 9, 5, 4, 7, 2, जोड़ दो सबको, 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16, 2, 18, ठीक है। इसको फिर से जोड़ दो तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद फिर 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13, 2, 15, 15, उसको एक और 5 जोड़ दो 6, ये आ गया, 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20, 4, 24, 24, यानी 2, 4, 6, ये फिर से ये आ गया, तो इसको जोड़ते हैं 9, 2, 11, 11, 3, 14, 14, 6, 20, 2 + 0, 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करते हैं, ये बड़ा ही परेशान किया था मुझे एग्जाम में, ये मुझसे बना भी नहीं था लेकिन आप ट्राई करते हैं। तो अगर इसको हम करें तो 2 × 6 और 2 × 8, ठीक है, 2 × 3 और 2 × 4, इसको ऐड करने से ये आ जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद फिर 3, 4, 12 और 3, 6, 18, इसको आप ऐड करो तो ये आ जाएगा 30, तो इसमें 30 में समथिंग मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और उस तरह से अगर इसको ट्राई करते हैं तो 4, 5, 6, 20 और 7, 4, 7, 28, तो ये आ जाएगा ऐड करने से 48, ठीक है। तो 48 में से अगर हम जैसे अब यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ इस इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इसके इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 14 × 1, 14,
इन दोनों का डिफरेंस दो है, तो इसमें दो मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, और इन दोनों का भी डिफरेंस दो है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96। ठीक है, हालांकि इसका और कोई भी लॉजिक हो सकता है, मुझे नहीं पता कि आंसर सही है नहीं, मगर मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। बोर्ड यूपीएससी ने आज तक तो आंसर की रिलीज नहीं की है, तो हो सकता है इसका कोई दूसरा आंसर हो, कि आंसर हो सकता है। और रीजनिंग का कोई माप नहीं होता, ठीक है ना, उसमें कोई भी लॉजिक लॉजिक सही बैठ रहा है तो उसका आंसर हो सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर, अगर आपके हिसाब से आपके पास अगर कोई लॉजिक है उसके हिसाब से कोई आंसर है तो मुझे प्लीज बताइए कमेंट करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसको ट्राई करते हैं 19। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं, सर ऐसे सवाल में सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करना करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4973। ठीक है, इसमें देखें तो 8 है, 9, 8, 17, ये भी 8 है, इसको आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 13, 7, 6, 16, इसमें भी 16 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 13, 9, 4, ये 24 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो 8, 8, 16, 16, तो ये 24, 24 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर 24 ऐड करो 4, 3, 7, 7, 2, 9, 97, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है कि ये पता करना है, तो इसको ठीक डायगनली देखो 1 × 4। ठीक है, तो 2 × 4, तो 12 × 4 होना चाहिए। ठीक है, तो 48 होना चाहिए, तो वी गेट आवर आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, सो हमने जो है कि सी ए पी एफ ओके 2019 मैथ्स एंड रीजनिंग का क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने हर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढंग से प्रोवाइड करने की कोशिश की है, मगर फिर भी अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, ओके, सो यू कैन कमेंट, ओके, प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक रिलेटेड टू ऑल द लेक्चर्स विच आई एम प्रोवाइडिंग कंटिन्यूसली। ओके, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गेट द PDF ऑफ ऑल द लेक्चर, so you can join this Telegram channel, and other than this I'm also providing various valuable information related to all the examinations. Okay, so you can, other than, you can connect me on different social media platforms, the link I have given in the description box, and other than the questions you can also get to connect me for any other exam means detail related to these examinations, whether it is CDS, CAPF और NDA, ओके, एनीथिंग रिलेटेड टू ऑल दीज एग्जामिनेशन, सो फॉर दैट यू कैन कनेक्ट मी। ओके, सो इफ यू रियली लाइक द सॉल्यूशंस देन लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट टू ऑल दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PYQ Academy।